हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं 10 बजे के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। दक्षिता ट्यूशन चली गई थी नाश्ता वाश्ता करके। अभी यही जो घर के नॉर्मल काम होते हैं बस उसमें लग गई थी मैं अपना। अभी मैं दक्षिता को ले जा रही थी खाना खिलाने और खुद भी खाना खाने, बाकी सबने खा लिया था पहले ही। मैंने कपड़े धो के डाले, फिर बारिश होने लग गई। अब सारे कपड़े फिर से उतार के कहीं और डालने पड़ेंगे। हेलो, बाहर बारिश होने लगी इसलिए सारे कपड़े मैंने उतार के अंदर डाल दिए हैं। बारिश में बस यही चलेगा, कपड़े बार बार धुलो फिर उन्हें फैलाओ, फिर बारिश हो जाए तो फिर अंदर लाके डालना पड़ता है। ये देखिए, मैंने कमरे में तार बांधा है कपड़ों को सुखाने के लिए, और दक्षिता यहाँ पे बैठ के कार्टून देख रही है लैपटॉप में। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर उठ के दक्षिता का ट्यूशन का काम कराना है। थोड़ा पढ़ा देते हैं बच्चों को तो ठीक रहता है अपना। अभी एडमिशन तो नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से, बस यही चल रहा है। अभी मैं जा रही हूँ दक्षिता को ट्यूशन का काम कराने। उसके बाद से ये कल के धुले हुए कपड़े हैं जो अब सूख गए हैं तो इन्हें तय करके रखना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे चलेंगे रात के खाने की तैयारी करने। अभी मैं दक्षिता के बाल में कंघी कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा अपने भी रेडी हो जाओ तो ठीक लगता है। उसके बाद मिलते हैं रात को। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए पनीर को हल्का सा फ्राई करके
रख लिया है मैंने। उसके बाद तेल में हींग, जीरा, थोड़ी सी काले मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची का तड़का दे करके ये मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट बना करके इसको भून लेना है 5 मिनट। 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड की है, साथ ही नमक भी ऐड कर लिया है। 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर लिए। मसाले में मैंने 2 चम्मच किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर लिया था। अभी इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल न छोड़ दे। देखिए हमारा मसाला पक चुका है। अभी मसाला पक गया था तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिया है। अभी इसको उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आने के बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और अभी लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे 10 मिनट तक। उसके बाद देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं यहाँ पे फटाफट से आटा गूंद ले रही हूँ, उसके बाद रोटियाँ सेक लूँगी, उसके बाद हमारा डिनर हो जाएगा रेडी। ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी। मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा बटर और घर की निकली हुई मलाई ऐड कर दी थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं रोटियां बना लेती हूँ। आज हमारे यहाँ थोड़े से पराठे भी बने थे, बच्चों को पराठे खाने थे और मैंने अपने लिए पराठे ही बना लिए थे, बाकी सबके लिए रोटियाँ बनाई थी मैंने। बस अभी मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, अभी इसके बाद सब लोग खाना खाएंगे। ये रहा मेरा और दक्षिता का खाना, पनीर की सब्जी और पराठे। यहाँ पे दक्षिता डांस कर रही थी लेकिन जब उसने देखा मैं वीडियो बना रही हूँ तो शर्मा गई थोड़ा सा, ऐसे ही करने लगी बस। ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।